ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय स्तर पर स्टूडेंट को नशीला पदार्थ बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस को पता चला इन लोगों ने 2000 से ज्यादा सिम कार्ड चाइना में भेजे हैं। यह है लोग और ऑन डिमांड पर ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में रहने वाले स्टूडेंट को नशीला पदार्थ बेचते थे। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में पुलिस नशीली सामग्री बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया, नॉलेज पार्क पुलिस और स्वाट टीम ने एक सूचना के आधार पर एक नाइजीरियन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, ओरिजिनल गोबर, कैलिफोर्निया वीड, एमडीएमए की गोलियां और नशीला पाउडर बरामद किया है। इसके साथ ही बताया कि बरामद पदार्थ विदेशी और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सप्लाई किया करते थे। नोएडा से ताहिर। देखिए, ये 2013 से, ये जो नाइजीरियन व्यक्ति, ये 2013 से यहाँ रह रहा है, फुटबॉलर कोच के रूप में यहाँ पे काम करने आया था, और दिल्ली एनसीआर और मुरादाबाद हापुड़ के कुछ स्कूलों में जा करके इसने फुटबॉल की कोचिंग भी दी थी, और इस समय ये दिल्ली के एक निजी ग्राउंड में कोचिंग देता था फुटबॉल की, और साथ में अवैध मादक पदार्थों की भी तस्करी और इसका भी कार्य करता था। इसके अन्य दोस्तों के और साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है, और जहां तक दूसरे व्यक्तियों की बात है, जिसमें लिट्टन दास और आसिम खान है, ये पूर्व में भी दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा चुका है, और इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।